मुसाफिर खाना और देवन मऊ रेड रेड करता हुआ राइट कॉर्नर पर जाकर लेफ्ट कॉर्नर पर अटैक और सफल भी। जी हाँ, अफसर को बाहर किया है। जी बिल्कुल, अपने अपने वाहनों का बिल्कुल स्वयं सुरक्षा करिएगा। जिस वाहन से आप आए हैं उसको देखते रहिएगा। जितने भी दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि अपनी अपनी बाइक की नजर थोड़ा देखते रहिए, नहीं तो मैच हो जाएगी। वहीं से सारे यही है सारे बड़ा मास पहले ही रेड में 2 पॉइंट। जी हाँ, 2 पॉइंट। अंपायर की निगाहें बिल्कुल चौकन्नी है, देख रही है सीसीटीवी कैमरे की तरह। ये बिल्कुल झोंक कॉपी एक दूसरे को उतार कर बिल्कुल रिजल्ट सामने लाते हैं। इस तरह से रेड रेड करता हुआ मूसा खाना राइट कॉर्नर से जाकर लेफ्ट कॉर्नर पर अटैक बहुत गजब करते हैं और इस तरह से डैश करने का प्रयास और सफल भी। देखिए भाई नवीन ओझा, नवीन ओझा की तरफ से जितना भी सुपर रेड आएगा 101 रुपए हमारे पास जमा है, जितना भी सुपर रेड आएगा। जहगीर गहलोत करने के लिए देवल मऊ के बहुत उम्दा रेडर है, बहुत सुंदर रेड करते हैं। और ये राइट कॉर्नर से आकर लेफ्ट कॉर्नर पर गजब कर रही है, कस रहता है इनका और इस तरह से रेड करते हुए काफी सुंदर। अबे दीपू बच्चा हूं। तो अंकित भाई यहाँ नवीन ओझा की तरफ से हर टीम के लिए ऑफर आ गया है, हर सुपर रेड पर यहाँ इनाम रखा गया है 101 रुपए का। वही तो हम आपको बता रहे थे कि ये IPL हो चुका है, मुंबई और दिल्ली का आज फाइनल था। सेम वैसे पैसे लग रहे थे जैसे आज स्पिन पिच के लग रहे हैं। इशारा आता हुआ पॉइंट और यहाँ पर मुशासिर खान रखे हुए और सर देवल मऊ की तरफ से रेड करते हुए काफी सुंदर। 4 डिप के साथ साथ तैयार मुसाफिर खान काफी सुंदर रेड करते हैं। अक्सर दीपू गए हैं रेड करने के लिए, काफी अच्छा इनके पास चालू है। अगर इनके पास औजार कहा जाए तो इनके पास जंप है। तो एक इनाम और आया है जहांगीर सटरिंग वाले की तरफ से, अगर देवन मऊ के खिलाड़ी सॉरी नंदलाल सटरिंग वाले की तरफ से, अगर जहांगीर देवन मऊ के जो रेडर है वो रेड करते हैं, ये छोड़िए ना भैया नहीं शायद वहां से कोई इशारा नहीं आया है थर्ड रेड का, तो यहाँ पर थर्ड रेड नहीं है। तो उनकी तरफ से अगर जहांगीर अगली रेड संभवता उनकी होगी भाई सचिन गए हैं रेड करने के लिए। ओ खेल महोत्सव काफी सुंदर रेड करते हैं ये और इनके पास भी है हनी हंटर्स के साथ बैकिंग, आपने देखा ही और जंप भी गजब के करते हैं सचिन। यस इस समय थोड़ा सा रिवाउंड आया है, डुअल लाइन रेड भी है और डुअल लाइन के लिए स्पेशल राजकुमार को बुलाया है टेबल मऊ ने। चलिए सब कुछ खिलाड़ी राजकुमार इस समय डुअल लाइन के जाल में फंस गए हैं, क्या इस साल से निकल पाएंगे या उनका शिकार किया जाएगा? कोई मौका नहीं, कोई चॉइस नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर छटपटा है लेकिन शिकंजा मजबूत। बहुत तेज लगता है डुअल लाइन। यस यहाँ डुअल एक आशु है और उस तरह टांगा गया है, उस तरह टांगा गया है ऐसे में खिलाड़ी देवन मऊ, देवन मऊ ध्यान दीजिए खेल भावना के साथ खेल खेलिए, खेल भावना से खेलो, बिल्कुल खेल भावना के साथ खेल खेलिए। सब अभी बाहर निकलोगे एक साथ बैठोगे तो मैं जहां भी भाई जहांगीर अगर सुपर रेड करते हैं नंदलाल सटरिंग वाले गहरी उनकी तरफ से 501 रुपए में नगद पुरस्कार दिया जाएगा, हमारे पास जमा है। चलिए देखना है क्या करते हैं जहांगीर, कहीं सुपर रेड के चक्कर में शिकार ना हो जाए जहांगीर। वही कुछ हुआ कभी कभी काफी हंस रहे हो तो मैं बता दूं कभी कभी ये जो है ना कांटा फेंका जाता है मछली फंसाने के लिए।
वही कुछ हुआ जहाज के लिए उस समय। तो यहाँ पर सचिन एक अच्छे रडर है निश्चित तौर पर, यहाँ हैंडपास की कोशिश लेकिन कामयाबी अभी तक मिल नहीं पाई है सचिन को। लेकिन रेड हमने उनके कई कई देखे हैं, इस समय रेड यहाँ से एंट्री गई है। अगर इसको तो बिजली भाई को घटिया बोला जाता होगा तो बिल्कुल नंदलाल जी बिल्कुल कटिया लगाने माहिर है। तो यहाँ पर इस समय शाहरुख एक रोमांचक संग, हालांकि टूर्नामेंट जिस स्टेज पर पहुंच गया है हर मैच यहाँ से हाई वोल्टेज हो रहा है। तफसिल भाई, तफसिल भाई, हर सुपर रेड पे जितना भी सुपर रेड होगा सब तरफ से 101 रुपए हर सुपर जाएगा। चलिए इनामों की छड़ी लगी है, लूट सको तो जेब भर सको तो भर लो। यहाँ पर इस समय कोशिश यहाँ पर लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई अफसर। चलिए यहाँ पर एक और इंतहार रनर सचिन का, इसमें पास पाते हैं या फेल होते हैं यहाँ पर रनिंग है क्या है गोलू का शिकार किया। तफसिल भाई, तफसिल भाई नंदलाल सखी वाले की तरफ से जितने भी सुपर रेड आएगा 501 रुपए का इनाम पुरस्कार दिया जाएगा, हमारी पास जमा है। चलिए लगातार इनाम बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर शाहरुख गए हैं इस समय कोशिश हुए कि कोई पॉइंट लिया जाए और यहाँ पर गलती करते हुए डिफेंडर मुसाफिर खाना दो पॉइंट यहाँ से आया है। इस समय सचिन पुनः गए हैं रेड करने के लिए और इस बार सचिन का शिकार किया गया है। मुश्किल वक्त है आप कह सकते हैं मुसाफिर खाना के लिए। इस मैच में जितना भी सुपर रेड आएगा नंदलाल की तरफ से 501 रुपए में पुरस्कार दिया जाएगा, हमारा जमा है सिर्फ दो है। एक और सुपर टैकल में इस समय रेड करने के लिए गए हैं लेकिन इस बार संभवतः वो सेफ रेड करके आना चाहते हैं। इस समय आक्रमण पर जहांगीर, इस सुपर टैकल में लिया गया है राहुल का शिकार किया गया है जहांगीर के द्वारा। निश्चित तौर से तफजुल भाई यहाँ पर शुरुआती समय में पहले हाथ में बहुत बनाती हुई सॉरी आजाद भाई, मैं आपको बता दूं कि अगर ऑल आउट हो जाएगी मुसाफिर खाना की टीम तो पलटवार करना काफी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दोनों टीमें लगभग बराबरी का खेल इस समय करती हुई कोशिश और संभवतः कामयाब कोशिश यहाँ पर गोली का शिकार किया। चलिए यहाँ पर और सुपर टैकल जहांगीर पिछली बार तो कामयाब हुए थे लेकिन इस बार यहाँ मिडिल में कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। एक और कोशिश करते हुए जहांगीर लेकिन रेडमती हालांकि जहांगीर के लिए भी इनाम आया है नंदलाल शटलिंग की तरफ से, अगर सुपर रेड लगाते हैं तो 500 रुपए। हालांकि दीपू इस समय रेड करने गए हैं अच्छे नजर है काफी कुछ जिम्मेदारी किया गया है यहाँ आजाद काफी बड़ा लगता निश्चित तौर से एक बड़ी मछली फंसाई है। तो अब ऑल आउट पूरी टीम यहाँ से मुसाफिर खाना। हालांकि जहांगीर इस समय अटैक पर और यहाँ पर एक पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं जहांगीर अखंड के रूप में। चलिए यहाँ पर नवीन ओझा की तरफ से कोई भी खिलाड़ी अगर सुपर रेड लगाता है तो 101 रुपए को टाइम आउट दिया गया है। भाई उनके कोच जो है तौसीफ कुछ रणनीति बना रहे हैं अपने खिलाड़ियों के साथ, सुपर रेड लगाना आसान काम नहीं है। इधर जहांगीर इस समय हाफ टाइम के पहली रेड के लिए गए हैं, कोर्ट फुल ऑल आउट होने के बाद वापस तरोताजा होकर इस समय मुसाफिर खाना के खिलाड़ी टाइम क्या देखेंगे। टाइम वहां से बताया जाएगा अगर 25 सेकंड हो तो उसके बाद से बता दीजिएगा टाइम भाई याद करके। जहांगीर इस समय सेफ रेड करके संभवतः वापस जा रहे हैं।
तो अपने अपने रणनीति यहाँ हाफ टाइम के बाद आक्रमण पर इस समय आशु। हालांकि इस साल वो रेड में वो कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं जिसके लिए आशु जाने जाते हैं, एक और शिकार होता हुआ आशु का यहाँ पर। तफजुल भाई अफसर पूरे शराब में है, पूरे जोश में है, और तफाया अफसर भी एक कड़ी है, कमजोरी है इनके अंदर की है, थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाते हैं। अगर वो जल्दबाजी से बच गए तो निश्चित तौर से यहाँ पर जिस तरीके का खेल दिखाए बहुत यहाँ पर मीत में चूक भी मैं कहूंगा मुसाफिर खाना के लिए। खास करके आपने पूरे सीजन में देखा होगा आशु कहीं आशु का फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म एक मिनट 55 सेकंड का टाइम बताई रहा है इस टीम के लिए। पहला हाफ टाइम चल रहा है जी हाँ, पहला हाफ टाइम वो टाइम आउट लिया गया था उस समय, तो हाफ टाइम में अभी जैसा इस एक मिनट 55 सेकंड हालांकि अब कम हो गया होगा। यहाँ पर उधर कोशिश करता हुआ सती हुई टीम यहाँ एक टच पॉइंट लिया अफसर का, तो डू आर साइडेड डू आर डाई। बोनस प्लस टच पॉइंट डू आर डायरेक्ट। तो यहाँ पर भी एक मौका है मुसाफिर खाना के पास, ये टच पॉइंट आया है और यहाँ टच पॉइंट दिया गया है। आशु का शिकार किया शाहरुख ने एक पॉइंट हरा। इसके पहले वैली रेडर ने एक प्लस टच पॉइंट अर्जित किया था उस समय के लिए है जरूर से किया गया है खिलाड़ी को। रेफरी का निर्णय सही है, वहां पर डैश किया गया है। चलिए रेड आउट सेकंड का वहां पर दिया गया जहांगीर एक और रेड के लिए आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर कोई खिलाड़ी या कोच वगैरह नहीं आएंगे, या टाइम आउट लेकर के जो भी सजेशन होगा वो देंगे। हाफ टाइम का ये लास्ट रेड है। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, अगर एतराज है आप नहीं बजा सकते, बिल्कुल नहीं बजा सकते, कोई इंस्ट्रक्शन पीछे से नहीं मिलेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। खुद तय करें कि हमारा कितना टिकट हुआ, किसी से टिकट नहीं कर सकते भाई। इनाम जो लगाया गया है रुस्तम ईटो टू हटवा की तरफ से सुपर रेट पर 101 रुपए, मुकीम टेप्सी इंटरप्राइजेस टेप्सी एजेंसी रानीगंज अजगरा की तरफ से 101 रुपए, नवीन ओझा की तरफ से भी 101 रुपए का इनाम लगाया गया है हर सुपर रेट पर। लेकिन जिस तरीके का डिफेंस दोनों टीमों का खेल रहा है बहुत मुश्किल वर्क है। बिल्कुल दोनों किसी तरह की है यहाँ सुपर लेग पर, तो 8 और 16 पॉइंट है टोटल, तो क्या इस बढ़त को बनाए रखेगी हाफ टाइम के बाद टीम देवन या यहाँ से बढ़त कारोबार करेगी मुसाफिर खाना की टीम, ये देखना होगा। हालांकि सब इनामों को मिला दिया जाए तो 800 के प्लस 800 प्लस इनाम है एक सुपर लेग पर, तो देखना है गोली खाली रहती है खिलाड़ियों की या भरती है, हिम्मत दिखाना होगा यहाँ पर। लेकिन ये हिम्मत देखिए जहांगीर की पावर दिखाया हुआ, जहांगीर तो इस समय इतने ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि आमतौर पर वो बहुत गलतियां करते थे, लेकिन आज जिस तरीके का खेल दिया दिखाया है दिल जीता है दर्शकों का। आजाद भाई देहाती भाषा बोली चल हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जितने भी दर्शक हैं वो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करेंगे भैया। गाड़ी आजाद भाई कुलूम भाई के लिए एक सूचना है कि कमेटी ने आदेश दिया है कि जरा बाहर गाड़ियों पर नजर रखिएगा। टू और ढाई हंड्रेड ये भाई शाहरुख फंसे हैं डू और ढाई के चक्कर में, निकलेंगे या शिकार होगा उनका ये देखने की बात है। इस समय चार खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई डीप जाना होगा अगर पॉइंट लेना है शाहरुख को, और शिकार किया गया है यहाँ पर।
शाहरुख का। पहले जहांगीर ने जो टैकल किया था उस टैकल पर 101 रुपए नंदलाल शटरिंग की तरफ से दिया जा चुका है, उसे इरफान के पास जमा है, ले लेंगे मैच की समाप्ति के पश्चात। करने के बाद वोल्टेज मुकाबला चलता हुआ टीमों के बीच में, हालांकि लगन पर यहां पर देवबंदर की टीम लग बोनस का इशारा आता हुआ वहां टीम एक बोनस पॉइंट दर्ज की अपनी टीम के लिए। जहांगीर इस समय गए हैं, हालांकि सेफ रेड की रणनीति अपना, गेम अभी काफी बाकी है यहां से आधार बस का स्कोर है 7 पॉइंट की लीड है अभी देवबंदर के पास। तो जहांगीर अटैक पर इस समय लेकिन सेफ रेड करके संभवता वापस जाना चाहेंगे और वापस सचिन इसके पहले एक बोनस पॉइंट अर्जित की तीनों ने कोई तक पॉइंट तो नहीं मिला था, लेकिन इस समय क्या करेंगे ये देखने की बात होगी। और यहां सचिन का शिकार किया गया और मुजाहिदा इस समय करते हुए जहांगीर निश्चित तौर से दिल जीता है दर्शकों का। जहांगीर जिस तरीके का टैकल कर रहे हैं 101 रुपए और यानी कि 202 रुपए अभी तक जीत चुके हैं। चलिए कम से कम ट्रायल का खर्चा तो निकाल ही चुके हैं वो नंदलाल शटरिंग, हालांकि इनाम इतना लगा है कि काट डाला डाला पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। चलिए इस समय जहांगीर हालांकि इनाम से ज्यादा लगा हुआ है टाइम आउट लिया चलिए सचिन आशु गए हैं रन करने के लिए कॉल फिलहाल यहाँ बंद किया गया हुआ भी नहीं कोई बोनस नहीं हुआ है। राजकुमार चार खिलाड़ियों के साथ इस समय पर एक मौका बना है यहाँ पर टैकल किया ताकि शिकार करेंगे क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर राजकुमार के पास। बिल्कुल टीम जाना होगा बोनस ऑन है नहीं यहाँ से कोशिश करते हुए एक और अटेम्प्ट रनिंग अटेम्प्ट की लेकिन वो भी कामयाबी खिलाड़ी कोई नहीं दौड़ेगा जी हाँ बहुत ही सुपर डिसीजन है लाइन के बाहर चला गया था। आपको अगर कोई भी चीज का आप कुछ बोलना है तो आप रतन को टाइम आउट दिला के बिल्कुल टाइम आउट दिला के यहाँ पर बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय दिया जा रहा है। कोई बाहर नहीं अपील करने का भी एक तरीका होता अभी भी 7:55 का टाइम शेष है। भाई तबदुल भाई मैं आपको बता दूं कि दुबई से खबर यह है कि 41 में ट्रेन भी कट गिर चुका है दिल्ली का, तो दिल्ली का सुपर साफ हो जाएगा लगता है यानी के तो इस समय मुसाफिर खाना कोल्ड फुल है बोनस भी आने पिछड़ रही है भी यहाँ से कुछ करना बैक की कोशिश लेकिन कामयाबी भी रनिंग बैक किक लगाई थी तो यहाँ 3 खिलाड़ी है सुपर टैकल आ रहे लेकिन जहांगीर ओके वहां भैया डुआ गई तुरंत बता दीजिएगा। इस समय जहांगीर 3 खिलाड़ी है कोशिश करते हुए लेकिन डायरेक्ट है भैया डुआ डाई है कि नहीं डुआ डाई है वहां से इंडिकेट किया गया है डुआ डाई है रेड यहाँ आशु के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है लेकिन आशु मैंने बताया था आज की आशु का फॉर्म बिल्कुल इस समय नहीं जब आपका फॉर्म न हो तो आपके अंदर खुद भी हड़बड़ाहट रहती है। मिनट 30 सेकेंड चलिए यहाँ पर मुश्किल वक्त में मुसाफिर खाना के लिए क्या जबरदस्त खिलाड़ियों का इस समय मात्र 2 खिलाड़ी यानी सुपर टैकल तो ऑन है क्या शिकार करेंगे यहाँ पर जहांगीर उनका शिकार किया जाएगा यहाँ करते हुए जहांगीर का इश्ता तो अंतिम टीम दिमाचा चला बुझेगा या अपनी टीम को चलाएगा ये देखने की बात
हटा देगी यहाँ से, क्योंकि ये ऑलआउट आजाद पूरी तरह से मैच से बाहर कर देगा यहाँ पर। चलिए ऑलआउट हम पॉइंट आपको बता देते हैं एक बार, बोनस इधर है, बोनस इधर, तीन पॉइंट उधर, वन प्लस टू उधर, बोनस इधर, चौबीस दस, चौबीस दस, तो चौबीस ग्यारह, सॉरी हाँ तो ग्यारह हुआ ना, चौबीस ग्यारह, यानी कि समय अलाउंस में बोल दीजिए भैया, समय समय बता दीजिएगा, पांच मिनट भी पच्चीस सेकेंड। इस तरीके का डिफेंस चल कर खेल रहा है यहाँ पर, देवल मऊ का कतई इजाजत नहीं दे रहा है पॉइंट लेने का, बड़ी मुश्किल हो रही है। हालांकि यहाँ पर संभवतः बिल्कुल पूरी तरह से टाइम पास की रणनीति अपना रहे हैं, हालांकि पांच मिनट का भी गेम बाकी है यहाँ से इस समय अटैक पर थोड़ी देर के बाद, और यहाँ पर वो काम तो किया जो रोका जा रहा था, उनको क्रॉस ले लिया, हालांकि एक पॉइंट का इशारा आता हुआ नो क्रॉस हुआ था संभवतः वहां पर, तो यहां यस जबरदस्त है, बिल्कुल ये इनामों की झड़ी भी लग गई है सचिन, चलिए और एक सौ इक्यावन नवीन ओझे की तरफ से, और एक सौ इक्यावन मकीन की तरफ से, और एक सौ इक्यावन रुस्तम भाई की तरफ से, तो एक सौ एक अजीमुद्दीन की तरफ से फैशन पॉइंट, फैशन पॉइंट अजीमुद्दीन की तरफ से एक सौ एक रुपए। चलिए यहाँ पर सबसे शूट खिलाड़ी संभवतः लिया जा रहा है, बोनस है, बोनस वहां पर इशारा आया है, आया है वहां पर सबकी चूट खिलाड़ी लिया जा रहा है, एक पॉइंट बोनस है वहां पर, यस। चलिए जुनैद को सबकी चूट खिलाड़ी के रूप में लाया गया है इस समय, सचिन और यहां पर कोशिश करते हुए सचिन शिकार करने की, एक पॉइंट तो पूरा सब्टीट्यूट यहाँ पर शार शार आया है, तो आखिरी खिलाड़ी है यहाँ से, जिम्मेदारी है रिवाइव करना होगा अगर ऑलआउट से बचना है, वरना खतरा मंडलाता हुआ उनकी टीम पर, क्या पलटवार हुआ है यहाँ पर, एक पॉइंट का इशारा भंग के लिए, एक पॉइंट प्लस बोनस, एक प्लस पॉइंट प्लस बोनस, एक पॉइंट प्लस बोनस, एक पॉइंट प्लस बोनस, एक पॉइंट। चलिए जहांगीर और पारू इस समय सचिन के कंधों पर जिम्मेदारी की, ऑलआउट किया जा रहा है यहाँ, शिकार होते हुए सचिन, शिकार होते हुए सचिन, दो पॉइंट यानी सुपर टेकल ऑन था, तो वहां पर दो पॉइंट और अर्जित किया है, पॉइंट 17-29 पॉइंट का फासला आजाद लगातार बढ़ रहा है इस समय, दो मिनट पचास सेकेंड, तो दो मिनट चार सेकेंड बाकी है, पचास सेकेंड सॉरी, दो मिनट पचास सेकेंड बाकी है यहाँ पर इस समय, रेड और जहांगीर रेड करते हुए टाइम पास की रणनीति अपनाते हुए, तो पॉइंट का फासला काफी लंबा हो चुका है यहाँ पर, बहुत मुश्किल होने जा रहा है, लेकिन गलती करते हुए यहाँ मैं गलती यहाँ मैं अफसर की दूंगा, खड़े होकर तमाशे देख रहे थे, तो पुनः अंतिम खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पर इस समय शाहरुख, इसके पहले रेड पर उन्होंने रिवाइव करवाया था, क्या इस बार भी वो रिवाइव करवा पाएंगे या ऑल आउट होगी टीम, इस समय शाहरुख कोशिश करते हुए यहाँ पर राइट टू लेफ्ट की तरफ इस समय पुनः लेफ्ट की कॉर्नर पर आते हुए शाहरुख कोशिश उनके द्वारा, और यहाँ पर सेल्फ आउट होते हुए शाहरुख आउट होते हुए टीम
टाइम आउट है, 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड का सारे का टाइम शेष, 23 29 6 पॉइंट के लिए टाइम कितना बचा है? 1 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड। जी हाँ, यहाँ पर आजाद ऊपर रेड लगानी होगी मुसाफिर खाना खाना। जी बिल्कुल, सुपर रेड लगानी हो, 6 पॉइंट की लीड है और समय जो है 1 मिनट 45 सेकंड का है, वो भी जो भी करना है जल्दी करना, बिल्कुल पूरा प्रेशर इस समय। चलिए टाइम आउट हो जाने के बाद खेल चालू होता हुआ, सचिन गए हैं इस समय रेड करने के लिए, यहाँ पर कोशिश करते हुए सचिन कि कोई पॉइंट नहीं आ जाए। क्यों तुम लोग परेशान होते हो? गैस है यार, हेलो गैस हो, अरे यहाँ सब देख रहे हैं, रेफरी यहाँ देख रहे हैं भैया, रेफरी यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास चार चार रेफरी है भाई, रेफरी गलत बिल्कुल नहीं डिसीजन देगा, तो बड़ा बनकर फिकर है ये, बड़ा बनकर 7 पॉइंट की होती हुई है इस समय, तो यहाँ टाइम पास की पूरी रणनीति इस समय चलती हुई, 1 मिनट लास्ट 1 मिनट, तो यहाँ से अब तो लगता है बहुत मुश्किल होने जा रहा है। 55 53 52 51 49 48 और यहाँ शिकार हुआ रहा है 45। हालांकि 1 पॉइंट से अब कुछ होना नहीं है, गुच्छों में पॉइंट लाना होगा, यहाँ पर ये रेड तय करेगी इस मैच का दिशा, और यहाँ पर 1 पॉइंट और आता हुआ जहाँ के लगभग पूरी तरह से मैच देखा जाएगा वो कंजे में है, 23 20 19 18 17 25 और 30, यानी 5 पॉइंट की बढ़त भी है, तो अब तो कुछ शायद हो ना पाए, लेकिन शिकार पूरा किया। अक्सर तुम लोग को वहां पर बताया जाएगा 5 सेकंड, यानी आखिरी लेडी सचिन, आखिरी रेड है यहाँ पर, चलिए इस तरह तो मेरा, लेकिन मैच यहाँ पर खत्म हुआ। सचिन जीतो साथी बोला, सचिन 27 और 30 से यह मैच जीता है, जीती हुई टीम कोर्ट पर रहे, सचिन कमेंट्री बॉक्स के इस तरफ आ जाए।